शाहरुख खान की पठान पर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। जगह जगह से इस फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। हिंदू नेता जयभान सिंह पवैया ने फिल्म को बहिष्कार करने की मांग की है, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी पठान को लेकर बयान दिया है और इस फिल्म की आलोचना की है। शाहरुख की पठान पर विवाद का मामला तूल पकड़ रहा है। पठान को लेकर हिंदू नेता जयभान सिंह पवैया ने फिल्म को बहिष्कार करने की मांग करते हुए कहा कि आजादी के बाद से लगातार हिंदू आस्था को तार तार और देश के स्वाभिमान को शून्य करने की कोशिश की जाती है और ये भी उसी का हिस्सा है। अभिव्यक्ति के नाम पर ये ऐसा करते हैं। पवैया ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। संतों ने भी बहिष्कार की अपील की है। पवैया ने कहा कि हिंदू समाज का हृदय से आह्वान करता हूँ कि इन हरकतों का सच्चा जवाब बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, हिंदुओं के खरीदे गए टिकटों से मुंबई के शहंशाह बनने वाले लोग जब तक चौपाटी पर भीख नहीं मांगने लगे तब तक ऐसी फिल्मों का बहिष्कार हो। पठान फिल्म का जो विवाद देश में सामने आया है उसमें ताज्जुब तो मुझे भी होता है कि जिसका हीरो शाहरुख खान और जिस फिल्म का नाम पठान, उसमें दीपिका पादुकोण जी को सजाना ही था तो हरे रंग की चुनरियों से सजा दी। देखिए, देश में बहुत हो चुका आज़ादी के बाद लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की और देश को स्वाभिमान शून्य करने की कोशिश की जाती है और उसी का हिस्सा है अभिव्यक्ति के नाम पर। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो बयान आया है गृह मंत्री जी का, उसका भी स्वागत करता हूँ। संतों ने बहिष्कार की अपील की है, मैं हृदय से आह्वान करता हूँ हिंदू समाज को कि देखिए, इन हरकतों का सच्चा जवाब बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं है। ये हिंदुओं के खरीदे हुए टिकटों से मुंबई के शहंशाह बनने वाले लोग जब तक चौपाटी पर कटोरा लेकर भीख नहीं मांगने लगे तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए दर्शकों को। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पठान को लेकर कहा कि कश्मीर फाइल पर सवाल उठाने वाले लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा, पीला वस्त्र हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। केवल पीले रंग को ही बेशर्म क्यों बताया गया है, हरा या सफेद क्यों नहीं? हरे का सम्मान हो और पीले का अपमान हो, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, फिल्मों को लेकर ये दोहरा मापदंड जो चल रहा है ये सही नहीं है। गौतम ने कहा, जिस सिनेमा को बनाकर समाज के सामने परोसा है, शाहरुख में हिम्मत है तो अपनी बेटी के साथ बैठकर ये फिल्म देखें। इसमें दोनों पक्ष से बड़े विवाद हो रहे हैं, पर उन लोगों के सवाल तो हम खड़ा कर सकते हैं जिसने कश्मीर फाइल पर, जिनके कानों में जू नहीं रोगी, वो कहाँ चले गए? बल्कि उल्टा क्या कहा उन्होंने, कश्मीर फाइल बनने के बाद जो अत्याचार वहाँ पर हुआ है पंडितों के साथ, जिसको प्रदर्शित किया गया, तो उदाहरण क्या देते हैं, वो किसी विदेशी किसी उसने सिनेमाकार ने वो कहा कि बकवास है, इसलिए उसका उदाहरण देते हुए लोग घूम रहे हैं। तो उसमें तो ये इस तरह का तुम बवाल खड़ा कर रहे हो। और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, पीला वस्त्र का सवाल नहीं, पीले का सवाल नहीं है, पीला वस्त्र जो है हमारे राष्ट्र का गौरव का चिन्ह है, वो हमारे धर्म के, जहाँ देखें आप पीला लगाया जाता है, पीले कपड़े के साथ किया, मैंने उसको धर्म से जुड़ा, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ देख सकते हैं आप। तो पीला वस्त्र ही बेशरम है, इस शब्द का मतलब क्या हो गया? तो हरा को कह देते ना, हरा को कह देते, सफ़ेद को कह देते, तो सफ़ेद को कुछ नहीं कहा, हरे को कुछ नहीं कहा, तो हरे का सम्मान हो पीले का अपमान हो तो ये तो भाई ठीक नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि वही जो फिल्म मेकर्स हैं तमाम सारे, मैं कल सुन रहा था तो कह रहे थे कि साहब वो इतने लोग लगे हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो कश्मीर फाइल में लोग नहीं लगे हो रहे होंगे, उनकी रोजी रोटी का सवाल नहीं था। ये दोहरा मापदंड जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि उनका कहना है कि सिनेमा हम बनाते हैं, तो सिनेमा बनाते किसके लिए हो, खुद देख लो ना। और यदि तुम्हारी हिम्मत हो, बड़ा कलाकार दिखता हो, अपने 20 साल की बेटी के साथ उसी सिनेमा को देख लेना, बैठ करके एक साथ दोनों देख लो। यदि दोनों बैठ के एक साथ देख सके तो हम मान लें कि समाज के लिए ठीक है, तो अपने बेटी के साथ नहीं देखोगे ना, बैठ कर नहीं देख सकते ना। उस जिस सिनेमा को तुमने बना करके समाज के सामने परोसने का काम कर रहे हो, उसी को अपने बेटी के साथ नहीं देख सकते। 20-21 साल की तुम्हारी बेटी हो, उसको कहोगे बेटा तुम बाहर जाओ, हम अकेले देखेंगे इसको, और हमारे समाज के लिए उसको बहुत उचित पाते हो, और ये कहकर उसका सेविंग करने का प्रयास करते हो कि इसमें हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हुई है। तो हजारों लोगों की रोटी जुड़ी हो, उस रोटी में हम धर्म का सम्मान थोड़ी होने देंगे?
कि हमारे धर्म का सम्मान करो। देवी आप देखो कि दूसरा एक चीज़ मुझे और बहुत खलती है कि यदि हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है तो चारों तरफ से धर्मनिरपेक्ष सिक्युलरिज्म वाले आकर के खड़े हो जाते हैं, और उनके जब किसी धर्म पर हमला हो जाए तो सर तन से जुदा होने का नारा लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोले वो? उसमें भी तो ये हो गया ना कि जो उनके उनके पैगंबर का जो विरोध करेगा उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, हमारे भगवान को गाली। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।